सो हे गाइस आई एम सैम बैक विद अ वीडियो। तो गाइस आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले इंडस बैटल रॉयल के बारे में। तो इंडस बैटल रॉयल काफी दिनों से यहाँ पर कोई अपडेट नहीं आया था, लेकिन फाइनली उनके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर यहाँ पर एक वीडियो अपलोड किया गया। एंड इस वीडियो के अंदर उन्होंने जो उनकी पहली व्हीकल है जो की एक बाइक है उसको यहाँ पर उन्होंने किस तरह से यहाँ पर डिजाइन किया, किस तरह से बनाया एंड फाइनल यहाँ पर लुक निकल के आई, सारी चीजें इस वीडियो के अंदर बताई है। एंड साथ में साथ आप लोग को जो उसका गेम प्ले वगैरह भी देखने को मिलेगा। एंड वीडियो के एंड में आप लोग को यहाँ पर जो चार लोगों के लिए यानी कि स्क्वाड के लिए जो व्हीकल आने वाला उसका यहाँ पर जो फर्स्ट लुक वगैरह दिखाया जाएगा जो कि एक बग्गी रहने वाली है, वो भी आप लोग को देखने को मिलेगी। तो मैं अपना जो वॉइस ओवर यहाँ पर खत्म करता हूँ, आप लोग को अब जो है यहाँ पर उनका ही यहाँ पर वीडियो देखने को मिलेगा। मैं मिलूंगा आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय। हाय, मेरा नाम आयुष है और आप चाहें तो मुझे इंडस ट्रिप के नाम से बुला सकते हैं। तो मैं यहाँ पे नया नया ज्वाइन हुआ हूँ व्हीकल कॉन्सेप्ट आर्टिस्ट की पोजीशन पर। जब मैंने इंडस ज्वाइन किया, मुझे जो पहला टास्क मिला मेरा, एक ऐसा व्हीकल बनाना है जो टू सीटर हो और इस प्लेनेट पे कहीं नहीं हो, ना वो रियल लाइफ में हो ना वो किसी गेम में हो। मुझे रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए इंस्पिरेशन की ज़रूरत थी। मैंने अपना गाड़ी उठाया और गया मैं जंगल में और बहुत सारी नेचर्स की ड्राइंग, स्केच, बटरफ्लाई, डिफरेंट क्रीचर्स मैंने सारी ड्राइंग करे। और उसके बाद मैं यहाँ पे वापस आया स्टूडियो में और फिर मैंने अपना इम्प्लीमेंटेशन शुरू किया। तो फिर मैंने बनाई इंडस बाइक। तो जो हमारी इंडस बाइक है वो 70% नेचर से इंस्पायर है। चलिए बताते हैं इसका प्रोसेस। तो सबसे पहले मैंने मूड बोर्ड बनाया और मूड बोर्ड को मैंने 3 स्टेज में डिवाइड किया, स्टाइल, फंक्शन एंड डिजाइन। देन आफ्टर मूड बोर्ड अर्ली स्टेज स्केचेस। तो मैंने स्केचेस किए, फर्स्ट 3, 2, 4, 5 ऐसे सेक्शंस बनाए, स्टाइल को मैच किया। देन आफ्टर दैट कलर पास। और ऑल दो सारे कलर्स ऑर्गेनिक हैं, हमारे इंडियन स्टाइल है, उससे इंस्पायर्ड हैं। फिर उसके बाद हमारा दूसरा जो प्लॉट आता है वो है गेम में जाने का, इंजन टेस्टिंग का। तो उसके लिए हमें बनाना था ब्लॉकआउट। तो हमने फिर स्टार्ट किया 3D ब्लॉकआउट, देन ईच एंड एवरीथिंग विल बी परफेक्ट एंड जंप आउट टू दी फाइनल बाइक कॉन्सेप्ट सीट। तो यहाँ पे हमारे सेक्शन है जिसमें हमारा बाइक फ्रंट से कैसा दिखेगा, बैक से कैसा दिखेगा, उसका टायर कैसा होएगा, हेडलाइट्स में हमारे कितने वेरिएंट्स हैं, क्या क्या अलग अलग डिज़ाइंस होंगी, मटेरियल, क्योंकि हम फ्यूचरिस्टिक बाइक बना रहे हैं सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हमारा जो मटेरियल है वो भी फ्यूचरिस्टिक होना चाहिए। डिड सम मटेरियल पास, देन आफ्टर दैट फाइनल प्रोडक्शन पास। और अब आपके सामने है इंडस हवरिंग बाइक। तो आप चाहो तो उस पर फ्लाई कर सकते हो, तो उससे रेस कर सकते हो। अभी तक हमने इंडस बाइक का नाम नहीं रखा, तो यहाँ पे मिलता है आपको मौका। आओ बरसात कर दो कमेंटों की, क्या नाम रखें इंडस बाइक का, जल्दी से जल्दी आओ, वेट कर रहे हैं भाई। रुको रुको रुको, एक चीज तो भूल ही गया, हमारा इंडस गेम व्हीकल पर काम स्टार्ट हुआ, फुल स्क्वाड व्हीकल जो की होगी ऑफ रोड बग्गी। तो चलो अब मैं निकलता हूँ, काम करता हूँ अपनी इंडस बग्गी पे ताकि आप जल्द से जल्द उसको चला सको गेम में। कट बीजीस। अच्छा रुक रुक, वैसे ये इंडस बग्गी कब आएगी? क्या मैं CP5 बोल सकता हूँ क्या?